आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लिए, व्यूज दिखाए आपको। फर्स्ट टाइम मैं ड्रोन लेके ट्रैवल कर रहा था तो पता नहीं था, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ड्रोन के साथ कि कैसे फ्लाई करना चाहिए, कैसे बेस्ट शॉट्स लेने चाहिए ड्रोन के साथ। बट जो भी था बहुत सिंपल शॉट्स लिए, लेकिन जब एडिट कर रहा था तब लग रहा था यार वाओ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा बात करते हैं लोकेशन के बारे में जहाँ पे मैं गया था, वो है सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच जो नॉर्थ गोवा पड़ता है, और बताऊंगा आपको कि क्यों जाना वहां पे सही है, स्पेशली अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे कर रहे हो और भीड़ चाड़ से थोड़ा अलग रहना चाहते हो। जैसे कैलंगुट और बागा में पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप जो बीच का एंजॉयमेंट है वो कर नहीं पाते क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं। तो फर्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, सिंक्वेरियम बीच जाने के लिए आपको कोई अलग से टाइमिंग नहीं निकालनी पड़ती क्योंकि सेम डायरेक्शन पड़ता है अगवाडा फोर्ट के। अगर आप गूगल मैप में भी देखोगे, कैलंगुट से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड आ रही है, टी पॉइंट पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुड़ते तो अगवाडा फोर्ट की रोड जाती है, एंड राइट हैंड साइड में सिंक्वेरियम बीच है। तो कोई अलग से दिन निकालने की जरूरत नहीं। जब भी आप अगवाडा फोर्ट विजिट कर रहे हो सिंक्वेरियम बीच भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप सिंक्वेरियम बीच जा रहे हो तो अगवाडा फोर्ट भी सेम डे आप विजिट कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आई थिंक आप हाफ डे में दोनों विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये बता दूं कि कैलंगुट से कितनी दूर पड़ता है, सेम 10-15 मिनट्स की बाइक राइड है सिंक्वेरियम बीच। पर्सनली मुझे क्यों अच्छा लगा और मैं क्यों सजेस्ट करूंगा कि आपको भी विजिट करना चाहिए अगर आप नॉर्थ गोवा में और कोई बीच एंजॉयमेंट करना चाहते हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ ना मिले। देखो भीड़ तो है वहाँ पे क्योंकि वो नॉर्थ गोवा में ही है, बट इतनी नहीं है जैसे कैलंगुट और बागा में। देखो, और सबसे अच्छी बात है कि आपको हर 5 मिनट में कोई एजेंट आके डिस्टर्ब नहीं करेगा कि सर ये पैकेज ले लो, हमारा ये एक्टिविटी कर लो, ये सब कर लो, जो कि मैंने कैलंगुट में बहुत ज्यादा फेस किया। तो यही सब है सिंक्वेरियम बीच के बारे में। आई होप आपको पसंद आएगा मेरे जो भी सिनेमैटिक शॉट्स थे, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको थोड़ी बहुत। अगर आपकी कोई क्वेरीज क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मेरे को बताओ कि अगर आपकी कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग गोवा ट्रिप। चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।